नमस्कार दोस्तों, मैं एस के वैष्णव राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में अपन ने कई राजस्थान के बारे में जानकारी ली थी, अरावली पर्वतीय प्रदेश तक अपन ने जानकारी ली थी। और आपने जितनी भी दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो उनको भी देखने की पूरी कोशिश करें दोस्तों। तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जाइए और कमेंट करके नहीं बताइए। आज अपन पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, और मरुस्थलीय प्रदेश से एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये दोस्तों, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश से 2-3 प्रश्न आपके हर एग्जाम में कैसे न कैसे आपको टपक जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आप पहुंच जाइए मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों अपन का टॉपिक क्या है आज का, और वो टॉपिक है मरुस्थलीय मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश, अपन राजस्थान जीके देख रहे हैं। तो राजस्थान जीके में आपको बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, चलो मैं इसको एक बार सही कर देता हूँ, और ये है मरुस्थलीय। दोस्तों थोड़ा पेन कम चला था इसलिए आपको नहीं आया। मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में देखेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश कौन से भाग में पाया जाता है, तो आपके जो राजस्थान है इसमें मरुस्थलीय प्रदेश, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर यह देखना है कि मरुस्थलीय जो प्रदेश था इसे प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सा वो था। तो आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में मरुस्थलीय प्रदेश प्राचीन काल में ये एक का अवशेष माना जाता है, और वो कौन से सागर का अवशेष माना जाता है, टैथिस सागर का क्या माना जाता है दोस्तों, अवशेष माना जाता है। इसीलिए राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को युवा मरुस्थल कहा जाता है। युवा मरुस्थल भी इसी राजस्थान के थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन इसकी बात करें राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है, इस मरुस्थल को अपन बोलते हैं थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं दोस्तों, थार का मरुस्थल। चलो मैं थार के मरुस्थल के साथ साथ पहले तो आपको इसकी जानकारी दूंगा, फिर इसकी विश्व के कई मरुस्थलों से इसकी तुलना भी करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आपको यहाँ से कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न आता है थार के मरुस्थल के, अगर आपसे विस्तार की बात करें, तो थार का मरुस्थल का जो विस्तार है वो भारत में भी है, भारत और कौन से देश में है, और पाकिस्तान देश में है दोस्तों। कौन से में, पाकिस्तान देश में। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान देश में इस थार के मरुस्थल का क्या पाया जाता है, विस्तार है दोस्तों। अगर आपसे कभी कभी प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, अगर आपसे प्रश्न आता है कि भारत में जो इसे थार के मरुस्थल के नाम से ही जाना जाता है, भारत में तो इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रश्न आता है पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। आपसे प्रश्न आ जाता है कि पाकिस्तान में इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है इस मरुस्थल को, चोलिस्तान के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि आपसे प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान में ही इसका विस्तार पाया जाता है, कौन कौन से देश में, भारत और कौन से देश में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसे किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, प्राचीन काल में टैथिस सागर का अवशेष था, राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको कहते हैं थार का मरुस्थल, जिसका भारत और पाकिस्तान में इसका है, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। तो अब अपन को यहाँ पर देखना है कि भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार, भारत में थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो अपन के राजस्थान में तो है ही है, राजस्थान के साथ साथ ये किस में भी पाया जाता है, गुजरात में भी है, गुजरात के साथ साथ ये किस में भी है, पंजाब में भी है, और पंजाब के साथ साथ ये किस में है, हरियाणा में। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन चार राज्यों में इसका विस्तार है, किसका, मरुस्थल का विस्तार है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, इसका इन राज्यों में विस्तार है। आपसे पूछा जाए जो थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो अपन के राजस्थान राज्य में, थार का मरुस्थल विश्व का कौन से नंबर का मरुस्थल है,
विश्व का 17वें नंबर का मरुस्थल है, 17वें नंबर का मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थल है, अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए थार का मरुस्थल विश्व का 17वें नंबर का ये एक कैसा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है, 17वें स्थान पर आता है। किसका? थार के मरुस्थल का जो नाम है वो विश्व में कौन से स्थान पर है? 17वें नंबर पर स्थान है। आकार की दृष्टि से 17वें नंबर पर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी कभी ये पूछा जाता है कि उपोष्ण की दृष्टि से, उपोष्ण, और अगर आपसे पूछ ले जाए जलवायु की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, अगर दृष्टि से अगर आपसे विश्व में थार के मरुस्थल का अगर आपसे स्थान पूछे तो आपको करना है नौवा, नौवा सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक बार मरुस्थल है दोस्तों, मरुस्थल का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बिल्कुल आराम आराम से बना रहा हूँ। आपने कई इनकी वीडियो देखी होगी, आते हैं झटपट समझाते हैं, वो अपन के बिल्कुल नहीं चलता। इसीलिए आपने देखा होगा कि गंगापुर सिटी से सर्वाधिक सिलेक्शन होने के पीछे यही उद्देश्य होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से समझाते हैं दोस्तों। तो मैं इसके वैष्णव, आप कभी भी जो भी विद्यार्थी, मेरे काफ़ी विद्यार्थी वर्तमान राजस्थान पुलिस में, आरपीएससी में कई जो पोस्ट है उन पर नौकरी कर रहे, मेरा एक ही होता है मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूँ। कभी कभी मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है इसलिए मैं स्पीड को बहुत कंट्रोल भी रखता हूँ दोस्तों। आपको अगर कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई जल्दी लगे आप हमें कमेंट करके नहीं बताएं, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकें। बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि मरुस्थल से संबंधित कोई प्रश्न आए तो कभी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको मैं रब करूँगा जिससे कि आगे बढ़ेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश प्राचीन काल में किसका अवशेष है? टैथिस सागर का अवशेष है। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल कहलाता है राजस्थान में ये मरुस्थल। इसको वैसे उपनामों से अलग अलग से जानेंगे, अभी अपन जानकारी लेंगे। इसका विस्तार भारत और कौन से देश में पाया जाता है? पाकिस्तान देश में पाया जाता है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत में थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी पाया जाता है दोस्तों। इसका विस्तार तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इसका राजस्थान में पाया जाता है और इसका लगभग 85% भाग राजस्थान में ही है। थार का मरुस्थल का जो आकार की दृष्टि से या विस्तृत है वो 17वें नंबर का मरुस्थल है। लेकिन अगर उपोष्ण दृष्टि से पूछा जाए दोस्तों, किससे पूछा जाए? उपोष्ण की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है, जलवायु की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो 9वें नंबर का मरुस्थल है दोस्तों। कौन से नंबर का मरुस्थल है? 9वें नंबर का मरुस्थल है। कौन सा? थार का मरुस्थल है दोस्तों। आगे आप देखते हैं भारत में, आपने भारत में कुल डेजर्ट ब्लॉक, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे राजस्थान में कुल डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं दोस्तों, जल्दी से, सॉरी भारत में, भारत में कुल डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं? जल्दी से कमेंट आना चाहिए सभी के कमेंटों की, और मेरा पूरा ध्यान है। हाँ जी, चलो सबसे पहले कमेंट आ चुका है। हाँ, राजस्थान के, देखिए दोस्तों जिनके भी कमेंट आ रहे हैं एक बार ध्यान पर सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के गलत कमेंट आ रहे हैं। आपके राजस्थान, भारत में कुल डेजर्ट ब्लॉक 142 डेजर्ट ब्लॉक है, डेजर्ट ब्लॉक है। आपसे पूछा जाए भारत में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं, तो 142 डेजर्ट ब्लॉक है दोस्तों, जिसमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक, जिसमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक अकेले राजस्थान में हैं, अकेले राजस्थान में हैं दोस्तों। तो आपसे प्रश्न आता है राजस्थान में है। अगर कभी प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक डेजर्ट ब्लॉक कहाँ पर है, तो राजस्थान में है सर्वाधिक डेजर्ट ब्लॉक, और वो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कितने हैं? तो 85 डेजर्ट ब्लॉक है। पूरे इंडिया में 142 डेजर्ट ब्लॉक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि इस राज्य मरुस्थल का जो विस्तार है, थार के मरुस्थल का जो विस्तार है, मरुस्थल का अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थल का विस्तार किधर से किधर है, तो इसका किधर से है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पाया जाता है दोस्तों। ये कभी कभी आपसे दक्षिण पश्चिम की ओर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पर भी करना है, क्योंकि एक बार जेल प्रेरी में आया था इसलिए मैंने छोटा सा प्रश्न था। आप कहेंगे सर ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि बिल्कुल कभी कभी सीधे ही प्रश्न आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस मरुस्थल की जो औसत ऊँचाई है वो कितनी है, औसत ऊँचाई अगर आपसे पूछी जाए, औसत ऊँचाई वाला तो ज़्यादातर प्रश्न नहीं आता, तो 200 से 300 मीटर पाई जाती है,
200 से कितने मीटर पाई जाती है, 300 मीटर पाई जाती है। इस मरुस्थलीय भाग वाला जो प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई कितनी पाई जाती है, 200 से 300 मीटर पाई जाती है। दोस्तों बिल्कुल आपके सभी के जवाब बहुत शानदार आ रहे हैं, सभी का बहुत, जो नए जुड़े हैं उनका सभी का स्वागत है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मरुस्थलीय जो भाग है, मरुस्थल है, इसमें कितने ज़िले आते हैं, तो ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में कितने ज़िले आते हैं, दोस्तों 12 ज़िले आते हैं। थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने ज़िले आते हैं, 12 ज़िले आते हैं। इसे अध्ययन की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक तो कहलाता है पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले, अगर ज़िले की बात करूँ तो एक तो कहलाते हैं पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले। आपने देखा कि पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले पाए जाते हैं, और पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले में कहने का मतलब सर्वाधिक मरुस्थल का भाग पाया जाता है, और कुछ पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो अर्ध मरुस्थलीय ज़िले होते हैं दोस्तों। कौन से ज़िले होते हैं, अर्ध मरुस्थलीय ज़िले। तो देखेंगे कि पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले में भी 6 ज़िले हैं और अर्ध मरुस्थलीय ज़िले में भी 6 ज़िले हैं। टोटल ज़िले कितने हैं, मरुस्थल में 12 ज़िले हैं। आपने कभी सुना होगा बाड़मेर का नाम सुना होगा, बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, कौन सा है, बीकानेर है। आपने देखा होगा गंगानगर है, कौन सा है, गंगानगर है, और कौन सा, हनुमानगढ़। आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, मैं एक बार स्क्रीन पर देख लेता हूँ, हनुमानगढ़ बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इसका जो भाग आता है वो पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले के अंतर्गत आता है। जबकि आपने नाम सुना होगा कि एक कौन सा, जालौर का नाम खूब सुना है, और दोस्तों ये पाली तो वही है जिसकी 7 ज़िले से सीमा लगती है। कौन से ज़िले की, पाली, सर्वाधिक ज़िले से लगने वाली सीमा पाली ज़िला है, तो पाली। फिर आपसे आ जाता है नागौर आ जाता है, फिर सीकर आ जाता है, चूरू भी आ जाता है, और कौन सा भी आ जाता है, झुंझुनू भी आ जाता है, झुंझुनू। ये जो है आपके ज़िले, कहने का मतलब ये किसके अंतर्गत आते हैं, अर्ध मरुस्थलीय ज़िले के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले और अर्ध मरुस्थलीय ज़िले के अंतर्गत, पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले के अंतर्गत बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है और हनुमानगढ़ आता है। जबकि अर्ध मरुस्थलीय ज़िले के अंतर्गत जालौर आता है, पाली आता है, नागौर आता है, सीकर आता है, चूरू आता है, और कौन सा आता है, झुंझुनू वाला क्षेत्र आता है। ये कौन से मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। सबको अच्छे ढंग से दिख रहा है, बिल्कुल एक एक लाइनें बिल्कुल दिख रही होगी दोस्तों। तो आप यहाँ पर ये देखते जाएंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरे भारत में कितने डेजर्ट ब्लॉक है, तो पूरे भारत में कितने डेजर्ट ब्लॉक है दोस्तों, 142 डेजर्ट ब्लॉक है। पूरे भारत में कितने डेजर्ट ब्लॉक है, 142 डेजर्ट ब्लॉक है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है, तो 85 डेजर्ट ब्लॉक अकेले राजस्थान में है दोस्तों। 85 डेजर्ट ब्लॉक कहाँ पर है, राजस्थान में है। अभी इसकी जानकारी, मरुस्थल का विस्तार उत्तर पूर्व से लेकर के नहीं और दक्षिण पश्चिम की ओर पाया जाता है, और राजस्थान के उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सा मरुस्थल है, तो यही थार का मरुस्थल है। आपसे पूछा जाता है इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। आपसे पूछा जाता है थार के मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के कितने ज़िले आते हैं, तो 12 ज़िले थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आपने देखा पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। आपसे ऐसे पूछा जाएगा पूर्ण मरुस्थलीय ज़िला निम्न में से कौन सा है, अन्य ज़िले डाल देंगे, एक इसमें से डाल देगा, तो वो आपको करना है पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले। और अर्ध मरुस्थलीय ज़िले कौन कौन से हैं, जालौर है, पाली है, नागौर है, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। तो दोस्तों आपके बिल्कुल राजस्थान जी के यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रही होगी, पढ़ने में मज़ा आएगा। सभी के कमेंट करके नहीं बताएं कैसी लग रही है आपको राजस्थान जी के, जिससे कि हम आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। तो आपको अब देखिए दोस्तों, अब आपके वो प्रश्न आने वाले हैं जो सर्वाधिक आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप इसी किससे संबंधित प्रश्न आ रहे, मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित ही है और टॉपिक भी इसी से संबंधित चल रहा है। अच्छा टॉपिक चलेगा, अभी इसका लगभग 25% ही मरुस्थल का वो हुआ है, अभी इसको देखेंगे 75। जो थार का मरुस्थल है राजस्थान का, दोस्तों अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, राजस्थान का थार का मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक
घनी आबादी वाला मरुस्थल है, वाला मरुस्थल है। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? यही थार का मरुस्थल है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितना वो पाया जाता है, तो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कौन से मरुस्थल में पाए जाते हैं? थार के मरुस्थल में। तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला जो मरुस्थल है जो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक एक पाई जाती है जैव विविधता वाला मरुस्थल है दोस्तों। ये थार का मरुस्थल है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो इसी थार के मरुस्थल में पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी थार के मरुस्थल में निवास करती है। और राजस्थान में इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो आपसे ये भी आपसे प्रश्न आता है, राजस्थान में इस मरुस्थल को थली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थली के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है इसे किसके नाम से जाना जाता है? थली के नाम से जाना जाता है। और जो थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल दोस्तों? थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। या इसी को ये कहते हैं कौन सा मरुस्थल? युवा मरुस्थल भी कहते हैं। हाँ जी, तो नवीन मरुस्थल है कौन सा? थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल है, क्योंकि पहले इसकी जगह एक टैथिस सागर था दोस्तों। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत विश्व का नवीनतम पर्वत है, सेम कंडीशन से थार का मरुस्थल भी विश्व का नवीनतम मरुस्थल है। इसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। राजस्थान में इस मरुस्थल थार के मरुस्थल को थली के नाम से जाना जाता है क्षेत्रीय भाषा में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। और राजस्थान का थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसमें 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी क्षेत्र पाया जाता है इसमें। और आप अब देखेंगे दोस्तों कि मरुस्थल के हो, जैसे आपने कभी अफ्रीका का मरुस्थल देखा होगा, इसके चार उपभौतिक भाग होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? मरुस्थल के चार उपभौतिक भागों में बांटा जाता है, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों अगर इसे चार उपभौतिक भाग देखेंगे तो मैं आपको लिख रहा हूं राजस्थान के थार के मरुस्थल के। आपको यह देखना है कि चार उपभौतिक भाग कौन कौन से हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं राजस्थान के थार के मरुस्थल के चार उपभौतिक भाग। आपको ये देखना है कि राजस्थान के थार के मरुस्थल के चार उपभौतिक भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सबको आ रहा होगा, एक तो होता है जिसे अपन बोलते हैं, जिसे मरुभूमि बोलते हैं दोस्तों। कौन सी भूमि बोलते हैं? जिसे बोलते हैं महान मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। एक तो ये भाग होता है दोस्तों, कौन सी? महान मरुभूमि इस थार के मरुस्थल का ही एक उपभौतिक भाग है। दूसरा हमारे जो आता है और वो होता है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? चट्टानी मरुस्थल इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों। कौन सा है? दूसरा पार्ट चट्टानी मरुस्थल है। कौन से? इसी का है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है इसका पथरीला मरुस्थल। कौन सा है? पथरीला मरुस्थल है दोस्तों। कौन सा मरुस्थल है? पथरीला मरुस्थल है दोस्तों। चलिए कोई
कोई बात नहीं, पथरीला मरुस्थल है। और अगला जो चौथा भाग होता है वो चौथा भाग कौन सा है, तो चौथा भाग कौन सा है दोस्तों, तो लघु मरुस्थल है दोस्तों। कौन सा मरुस्थल है, लघु मरुस्थल है। तो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के थार के मरुस्थल के कितने उपभौतिक भाग है, तो चार उपभौतिक भाग है। एक है महान मरुभूमि, जिसे बोलते हैं मरुभूमि भी बोल देते हैं। दूसरा जो है वो चट्टानी मरुस्थल है, तीसरा वो है पथरीला मरुस्थल है, चौथा है लघु मरुस्थल है। तो इन चार भागों में बांटा जाता है। आप देखेंगे कि जो महान मरुभूमि है ये क्या होती है महान मरुभूमि, तो दोस्तों सबसे पहले अपन महान मरुभूमि के बारे में जानकारी देखेंगे। आपने देखा होगा कि जो रेत से ढकी हुई जो भूमि होती है, किससे ढकी हुई दोस्तों, रेत से जो ढकी हुई भूमि होती है, या भालू का स्तूपों से ढकी हुई, बालू का स्तूप से ढकी भूमि को अपन कौन से भाव में रखते हैं, मरुभूमि के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, मरुभूमि के। अगर आपसे पूछा जाए कि ये महान मरुभूमि किस पर पाई जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाई जाती है। आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किस देश से लगती है, तो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर, पाकिस्तान से लगने वाली, चलो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर, लगने वाली सीमा पर, सीमा पर, सीमा पर ये कौन सा पाया जाता है, अपन के मरुभूमि पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों एक एक करके नहीं, आपको यहाँ से समझते जाना है। और आपसे पूछा जाता है कि इस मरुभूमि का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका विस्तार जो है दोस्तों वो कच्छ की खाड़ी से है। कहाँ की, कच्छ की खाड़ी से। और कच्छ की खाड़ी से कहाँ तक जाता है, ये पंजाब तक जाता है दोस्तों। कहाँ तक है, पंजाब तक। कौन सी मरुभूमि का विस्तार पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी से और पंजाब तक का ये है। हाँ दोस्तों के काफ़ी आ रहे हैं तो वो भी अपन देखेंगे। बिल्कुल आपने देखा है कि पाकिस्तानी सीमा पर ये ज़िले पाए जाते हैं, बाजे बिंग दोस्तों, ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इन ज़िले में ही सर्वाधिक क्या पाई जाती है, मरुभूमि वाला क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। बिल्कुल बहुत अच्छा आपका सभी। और ये राजस्थान का राज्य का सबसे शुष्कतम भाग कहलाता है। कौन सा कहलाता है, तो राजस्थान राज्य का सबसे शुष्कतम भाग जो कहलाता है वो यही मरुभूमि वाला क्षेत्र कहलाता है। अफ्रीका के सहारा में ऐसे मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, चलो मैं ये नोट डाल करके लिख देता हूँ, अफ्रीका में सहारा में ऐसे मरुस्थल को एक नाम दिया जाता है, ईग के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मरुभूमि को किसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो ईग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ईग के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि चट्टानी जो मरुस्थल है दोस्तों, कौन सा मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको ज़्यादातर जानकारी आपको मिल जाए। और यहाँ से इसको मैंने मिटा दिया है, हाँ जी, चट्टानी। अगर आपसे मैंने यहाँ से देखूँ तो चट्टानी मरुस्थल जो है वो चट्टानी मरुस्थल आपके लगभग तीन जिले में ही पाया जाता है, और वो है बाड़मेर, जैसलमेर और एक है अपन के कौन सा, बीकानेर दोस्तों, इन जिले में ही, बीकानेर जिले में। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में ही कौन सी मरुस्थल पाया जाता है, चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। चट्टानी मरुस्थल जो होता है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होता है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होता है दोस्तों। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को ही कौन सा मरुस्थल के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चट्टानी मरुस्थल कैसा होता है, तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होता है। और सहारा में ऐसे मरुस्थल को एक नाम से जाना जाता है, और वो किसके नाम से जाना जाता है, हम्बाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता है, हम्बाद के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है मरुभूमि को ईक के नाम से जाना जाता है, चट्टानी मरुस्थल को किसके नाम से जाना जाता है, हम्बाद के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो मरुस्थल आता है वो अपन के कौन सा मरुस्थल है, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा, पथरीला मरुस्थल बोलते हैं। अगर आप पथरीले मरुस्थल की बात करें तो पथरीले मरुस्थल में आपके वायु रेत पाई जाती है, लेकिन इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं और इसमें क्या भी पाए जाते हैं,
पत्थर भी पाए जाते हैं दोस्तों। क्या भी पाए जाते हैं? पत्थर भी पाए जाते हैं। तो जिसमें कंकड़ भी पाई जाए, रेत भी पाई जाए और पत्थर भी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कौन सा? तो पथरीला मरुस्थल बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है इस पथरीला मरुस्थल भी बोला जाता है इसको, और इसी को एक मरुस्थल और बोला जाता है, और वो कौन सा मरुस्थल होता है दोस्तों? तो मिश्रित मरुस्थल होता है। पथरीले मरुस्थल का ही दूसरा नाम होता है मिश्रित मरुस्थल। आपने देखा होगा प्राणी आरपीएससी के एग्जाम में आया था, मिश्रित मरुस्थल कौन से मरुस्थल का भाग है? तो पथरीले मरुस्थल का ही कौन सा भाग है? ये मिश्रित मरुस्थल है। अगर आपसे देखा जाए पथरीले मरुस्थल को सहारा में किसके नाम से जाना जाता है, तो इसे किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे रेग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेग के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो आपके आता है वो कौन सा है, जिसे अपन बोलते हैं लघु मरुस्थल बोलते हैं दोस्तों? कौन सा मरुस्थल बोलते हैं? लघु मरुस्थल बोलते हैं दोस्तों। कौन से मरुस्थल के नाम से? लघु मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले जाए कि लघु मरुस्थल कहां से कहां तक है, तो आपने नाम सुना होगा कच्छ के रण, कच्छ के रण से लेकर के नहीं, और ये कहां तक पाया जाता है? तो ये आपके बीकानेर तक का है। तो कच्छ के रण से लेकर के नहीं बीकानेर तक का जो मरुस्थल पाया जाता है वो लघु मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? इसमें कहीं पर भी बालू का स्तूप मध्य निम्न भूमि होती है, जिसे हम तल्ली कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं दोस्तों। तल्ली क्या होती है कि इधर वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है और इधर वाला पहाड़ी क्षेत्र है, और उस पहाड़ी क्षेत्र के बीच में जो बरसात के दिनों में जो पानी भर जाता है, और वो पानी भर जाने के कारण एक अस्थाई झील का निर्माण हो जाता है। हाँ जी, मैं आपसे कहूँ कि इन दो टीलों के बीच में, टीलों के बीच में वर्षा का पानी भर जाता है, वर्षा का पानी भरने से एक झील बन जाती है, और वो कौन सी झील बन जाती है? अस्थाई झील का, अस्थाई झील का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। क्या होता है? अस्थाई झील का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तल्ली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तल्ली। और इसको हम राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? टाट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाट भी कह देते हैं। इसी को हम रण के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने देखा इसको ही हम खडीन भी कहते हैं खडीन भी कहते हैं। इसी को हम मरहो के नाम से भी जानते हैं, और इसी को एक नाम और है दोस्तों, क्या कहते हैं, जिसे अपन के बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, पलाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलाया। इसी को पलाया के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलो ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, एक बार दोबारा से इधर लिख देता हूं। हाँ, टाट के बाद में पूरी लाइन को लिख देता हूं। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? इनको एक नाम से जाना जाता है, टाट के नाम से जाना जाता है, खडीन के नाम से, खडीन के नाम से जाना जाता है, मरहो के नाम से जाना जाता है, और पलाया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पलाया के नाम से जाना जाता है। इनके नामों से इसे जाना जाता है, किसको? जिसे लघु मरुस्थल में पाया जाता है दोस्तों। आपने देखा जब ये वर्षा का जल सूख जाता है, इनका जब ये जल सूख जाता है, तो यहाँ पर कृषि भी की जाती है, और जो कृषि की जाती है उसको एक बोलते हैं, कौन सी कृषि बोलते हैं? खडीन कृषि कहते हैं राजस्थान में। आपसे पूछा जाता है खडीन कृषि जो की जाती है वो तल्ली वाले क्षेत्र में ही की जाती है, और इसमें जो 85% मरुस्थल में जो होती है, 85% जो टोटल मरुस्थल होता है दोस्तों, इसमें 85% में 85% इसमें क्या होती है? रेत होती है दोस्तों। क्या होती है? रेत। एक बार फिर से सुन लीजिए और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। थार के मरुस्थल, मरुस्थल के चारों भाग होते हैं, एक महान मरुभूमि होती है, दूसरी चट्टानी मरुस्थल होता है, तीसरा पथरीला मरुस्थल होता है, चौथा लघु मरुस्थल होता है। महान मरुभूमि होती है उसे बालू का स्तूप से ढकी हुई भूमि होती है। ये राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाली भूमि पर पाया जाता है। इसका कच्छ की खाड़ी से लेकर के इसका विस्तार होता है दोस्तों। राजस्थान में सबसे शुष्क मरुस्थल यही है। अफ्रीका में ऐसे को क्या कहा जाता है? ईग कहा जाता है। तो मरुभूमि को अफ्रीका के सारा मरुस्थल में ईग के नाम से जाना है। चट्टानी मरुस्थल को हम वहाँ पर अहमाद के नाम से जाना जाता है। पथरीले मरुस्थल को वहाँ पर रेग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए लघु मरुस्थल कच्छ के रण से लेकर के बीकानेर का है। बरसात के दिनों में जो टीले जो होते हैं, जिन्हें बरखान भी बोलते हैं, स्तूप भी बोलते हैं, उनमें जो पानी भर जाता है उसको तल्ली कहते हैं। इन तल्लियों में एक अस्थाई झील का निर्माण हो जाता है। उस अस्थाई झील को टाट, खडीन और मरहो के नाम से जाना जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में दोस्तों पलाया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पलाया के नाम से जाना जाता है। तो ये पलाया जो होता है, इनमें अस्थाई झील का निर्माण हो जाता है, और बाद में इस क्षेत्र में जो
तल्लीन जो होता है, जो वर्षा वाला जल होता है, ये सूख जाता है, तो यहाँ पर कृषि की जाती है। और उस कृषि को कौन सी कृषि कहते हैं? तो खड़ीन कृषि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता है? खड़ीन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आपने देखा होगा कि जो बालू का स्तूप होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? बालू का जो स्तूप होते हैं, इन बालू का स्तूपों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपने देखा बालू का स्तूप, अगर मैं बालू का स्तूप की बात करूँ, बालू का स्तूप, चलो इसको वैसे ही आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादातर महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें साहित्यिक दृष्टि वाला ही महत्वपूर्ण होता है। बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में टीले कहते हैं। क्या कहते हैं? टीले, टीले और टीवे भी बोल देते हैं क्षेत्रीय भाषा में। ये कौन सी भाषा में बोलते हैं? स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में बोलते हैं। कौन सी भाषा में बोलते हैं? तो बालू का स्तूपों को टीले भी बोलते हैं, स्थानीय भाषा में बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए बालू का स्तूपों को धोरे कहा जाता है, और धोरे कौन सी भाषा में कहा जाता है? साहित्यिक भाषा में कहा जाता है। कौन सी भाषा में कहा जाता है? साहित्यिक भाषा में इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? धोरे कहा जाता है। किनको ही कहा जाता है? इन टीलेन को कहा जाता है, इन बालू का स्तूपों को ही कहा जाता है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, और वो जाना जाता है धरियन के नाम से। किसके नाम से? धरियन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसलमेर जिले में इसको धरियन के नाम से जानते हैं। जैसलमेर जिले में इन टीलेन को, इन बालू का स्तूपों को किसके नाम से जानते हैं? धरियन के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा होगा, कभी नाम भी सुना होगा आपने इन टीलेन में ही एक का नाम सुना होगा, और वो नाम सुना होगा आपने बरखान का। किसका नाम सुना होगा? बरखान का नाम सुना होगा, बरखान का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? बरखान का नाम सुना होगा दोस्तों। किसका नाम सुना होगा? बरखान का नाम सुना होगा। तो बरखान क्या होते हैं दोस्तों? ये एक गतिशील स्तूप होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बरखान एक गतिशील स्तूप होते हैं। गतिशील स्तूप जो हवा के कारण ही बनते हैं, और इनकी आकृति जो होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। कैसी होती है? जो अपन के, जिन्हें अपन कहते हैं कि लू चलती है, उन लून के कारण एक गतिशील स्तूप बनते हैं, जो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, उनको बोला जाता है बरखान बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। एक और होते हैं हमारे, जिसमें अनुप्रस्थ और बालू का स्तूप होते हैं। कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, प्रस्थ, बालू का स्तूप। इसका प्रश्न भी ज़्यादातर आता है, लेकिन आरपीएससी में आता है स्तूप होते हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ और बालू का जो स्तूप होते हैं, ये भी एक बरखान की तरह से होते हैं। लेकिन ये जो वायु चलती है ना, वायु, उस वायु की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। वायु की दिशा में, वायु की दिशा में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं दोस्तों। 90 डिग्री का क्या बनाते हैं? ये एक समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। तो आपसे प्रश्न आता है कौन से स्तूप समकोण बनाते हैं या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनाते हैं। गतिशील स्तूपों को किसके नाम से जाना जाता है? बरखान के नाम से जाना जाता है, जो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। बालू का स्तूपों को टीले, टीवे स्थानीय भाषा में बोला जाता है, दोहरे साहित्यिक भाषा में बोला जाता है, धरियन जैसलमेर जिले में बोला जाता है। और पलाया जो झील है वो आपके ज़्यादातर जैसलमेर जिले में ही पाई जाती है। तो दोस्तों आज अपन ने ये देखा था, मरुस्थलीय वाला क्षेत्र देखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं, क्योंकि हमारे इस वीडियो के पीछे उद्देश्य क्या है कि मरुस्थल से कहीं भी अगर कोई प्रश्न आता है तो आपके 100% प्रश्न सही होने चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से आग की तरह से फैला दीजिए इस वीडियो को दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत अगली वीडियो में।